गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद आरिफ आज आपको लेकर आया हूँ एक नए वीडियो में। जो हम लोगों का जगह है वो है नमोघाट। नमोघाट को खिड़किया का नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए इसका बोर्ड लगा हुआ है, नमोघाट गोवर्धन धाम। पर आने वाले भाइयों ए बहनों को गोवर्धन समृद्धि की कामना करके, ये देखिए हम लोग पुल के नीचे से उतर के, ये हम लोग नीचे उतर के हम लोग ये जानने वाले हैं। ये चलते हैं और हमारे साथी मिस्टर रियाज, मौलाना रियाज भी इनको कहते हैं, इनके साथ हम लोग हैं। फिर ये आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। रातें नमोघाट या सामने नमोघाट भी कह सकते हैं, वही हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बैठने का अच्छा विजुअल है, ये यहाँ पर बैठने का अच्छा अच्छा दिया गया है। पॉपकॉर्न बिक रहा है, आगे खाने का भी सामान है। देखिए लाइट बल चुका है, बुढ़िया का बाल, कैंडी फ्लॉस। ये देखिए नया कैंटीन खुला हुआ है, समझ लीजिए इसको। ढेर सारे जो टेंट लगे हुए थे उन्हें टेंट में खाने का सामान, कितना बेहतरीन लग रहा है। एकदम प्यारा सा खूबसूरत सा अट्रैक्शन और एक नंबर का। ये देखिए आगे पार्किंग की सुविधा है और इधर मेन उसका एग्जिट है जाने के लिए। एग्जिट कह रहे हैं, सीएनजी लगा हुआ है, ऑटो भी सीएनजी मिलता है यहाँ पर। आगे हम लोग गेट के पास चलते हैं, अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए अंदर एंट्री हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर भी खाने के लिए दिया गया है, रेस्टोरेंट बनाया गया, कैंटीन भी कह सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए भी अच्छी अच्छी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। चलिए हम लोग आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। और ये देखिए रास्ते में भी और दुकानें हैं खाने के लिए, ढेर सारी पेंटिंग बनी हुई है। ये देखिए ढेर सारी पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर भी ये लोग पार्क लगाते हैं। चलिए आइए हम आपको अब सबसे बेहतरीन मेन अट्रैक्शन, मेन आकर्षण चीज़ जो नमोघाट का है वो दिखाने वाले हैं। ये देखिए नमो मिस नरे, देखिए ये है सबसे मेन अट्रैक्शन और सबसे बेहतरीन जो ये यहाँ का है वही। देखिए ये यहाँ से देखिए भी देखिए पूरा घाट, राजघाट का सीन दिखाया जा रहा है। पूरा एकदम अट्रैक्शन वाला लोकेशन लग रहा है। ये देखिए आप लोग अगर बर्थडे भी कर सकते हैं तो इसी गुलाई में आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए लाइट पूरी जल चुकी है पूरी तरह से। ये देखिए जितनी भी यहाँ पर लाइटें हैं वो जल चुकी हैं। यही लाइट का नज़ारा और लाइट के साथ जो बेहतरीन व्यूज आता है, वही व्यूज के लिए हम लोग एक और वीडियो बनाए हैं नमोघाट का। ऐसे भी हम लोग ढेर सारे वीडियो बना चुके हैं। ये देखिए यहाँ से देखिए बेहतरीन नज़ारा नमोघाट का विथ लाइट। बोलो, ये देखिए हाथ का नज़ारा नमोघाट के, जो हाथ है मेन बहुत बड़ा था। ये देखिए इस साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम लोग आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए उस साइड आप जा नहीं सकते। ये देखिए हाथ का सीन, ये देखिए नमो नमा लिखा हुआ है, वो देखिए वहाँ पर भी नमोघाट लिखा हुआ है। और ये पूरा मेन अट्रैक्शन उस साइड देखिए सीएनजी नाव का। ये देखिए पांडा वाली ट्रेन, पांडा ट्रेन इसकी सवारी भी आप कर सकते हैं। ये देखिए नाव पर बैठने, देखिए नाव पर बैठने के लिए बनाया गया है। ये देखिए आप इधर सीढ़ियाँ उतर के वहाँ पर जाएंगे तो आप नाव पर बैठ सकते हैं। आइए पता करते हैं कि क्या रेट चल रहा है नाव पर घूमने का। ये देखिए हम लोग नीचे उतर चुके हैं। अब नीचे उतरने के बाद अब पता करते हैं कि नाव पर घूमने का कितना चार्ज है। ये देखिए ये नेट बना हुआ है, इससे पहले वाले मेरे वीडियो में आप लोग देखा होगा कि ये चीज़ नहीं था अब, लेकिन पूरा एकदम नाव के एकदम पास ले जाकर घुमाने की सुविधा बताई गई है। आइए देखते हैं ऊपर, किसी से पूछते हैं। कहाँ से कहाँ तक का 200 रुपए है चार्ज? आरती कौन से घाट पे हो रही है? दशाश्वमेध घाट का। तो गाइज अगर आप जाना चाहते हैं दशाश्वमेध घाट, बहुत ही बेहतरीन आरती होती है। अगर आपको आरती देखनी है बनारस की तो आप आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं 100 रुपये चार्ज है नाव का। वहाँ से आपको घुमाकर वापस यहीं लाकर छोड़ेंगे। ये सामने का पुल देख रहे हैं कितना अच्छा विजुअल आ रहा। ये देखिए नाव घुमा कर लोगों को वापस लेकर आया गया। ये देखिए नमो घाट पे एनी टाइम कोई भी कॉन्सेंट हुआ करता है, कोई गाना बजाना, कोई डांस फंक्शन, कोई छोटा मोटा आरती, कोई त्यौहार पे कुछ वेकेशन का। और यहाँ पर हमको लग रहा है कि राम मंदिर प्रणाल प्रतिष्ठान की वजह से यहाँ पर ऐसा ये गाना का प्रोग्राम बनाया गया है। ये देखिए आप लोग
आप भी ये बहुत ज़्यादा चार्ज लगा के आप भी ये चीज़ करवा सकते हैं। ये देखिए ये झूला वूला लगा हुआ है बच्चों के लिए। अब तो नमो घाट पर समझ लीजिए टूरिस्ट प्लेस की जगह पिकनिक स्पॉट भी हो गया है। बच्चों का झूला, खाना पीना ए टू जेड आपको चीज़ें मिल जाएगी। देखिए लाइट जल रहा है। ये देखिए लंदन बस के नाम से ये बस है। इसका भाड़ा देखिए पता करते हैं कितना, 50 पे ये टिकट है यहाँ पर। और लंदन पार्क में पूरा आपको ये घुमाया जाएगा। ये देखिए एक फैमिली बस है, वो भी उनका भी 50 पे टिकट है। ये देखिए जंपिंग टावर, ये देखिए ढेर सारे मिक्की माउस, ये देखिए समुंदर में नाव तैर रही है, ये देखिए ट्रेन, वो ट्रेन और डियर मतलब हिरन वाली ट्रेन, और ढेर सारी ट्रेनें भी हैं आपको पूरा घुमाने के लिए। और बस ऐसा कुछ आगे कुछ खास है नहीं, क्योंकि हल्का सा आपको लाइटिंग वहाँ की दिखाने के बाद वीडियो को एंड करते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है राजघाट के ऊपर लाइटिंग, 3-4 तरह की लाइटिंग है। ये देखिए आगे भी लाइटिंग है। अब हम आपको बदनाम चाय की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए तरह तरह के चीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने, टॉय, और लड़कियों के हाथ में ये छप्पा लगाया जाता है वो। ये देखिए ढेर सारी दुकान ऊपर चलने के बाद भी। देखिए हम लोग सीढ़ी से, ये देखिए जिस जो हमने कहा था बदनाम चाय, बनारस की मशहूर और मारूफ वो चाय वाला, जिसको बदनाम चाय वाले भी लोग कहते हैं, वो हम आपको लिखा गया है एकदम नमो घाट के एकदम सेंटर पे। आप सीधे आएंगे तो आपको मिल जाएगा पाव भाजी बदनाम की 60 रुपये की। चाय का दाम अलग अलग है, 15 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, जैसे आप चाय पी सकते हैं। और यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड, दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार किसी के साथ भी आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी और भी ढेर सारे सामान हैं, खाने वाले सामान। अब आपको एक बस लास्ट चीज़ और दिखा रहे हैं, कैंटीन, उसको देख कर वीडियो को एंड करते हैं। गाइस हम आ चुके हैं जैसा हमने कहा था आपको कैंटीन दिखाने के लिए। ये देखिए ये कैंटीन आपको नमो घाट मूर्ति के ठीक साइड में एक एंट्री मारते ही आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए मैट लगाया गया है, टेबल कुर्सी लगाई गई है, खाने के लिए 2.0 पिज़्ज़ा हट, इंडियन तड़का और बेवेजर्स करके कुछ नमो घाट का खाने के लिए दिया गया है। ये देखते हैं कुछ खाने लायक है हम लोगों को, तो वो भी खाते हैं। ये देखिए ये भी है, क्या है, हंगर क्लॉक नमो घाट का, ये भी है खाने के लिए सामान है। आप यहाँ पर आके अपना देख सकते हैं, जो आपको खाना है वो आप खा सकते हैं यहाँ से ऊपर आके। ये देखिए नीचे का कैंटीन दिखा दिए हैं, ऊपर भी कैंटीन है, क्या लिखा है, मटका वाला नमो घाट करके। ये देखिए यहाँ पर भी खाने के लिए ठंडा और पीने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, कोई भी आइटम हो, फास्ट फूड से लेकर और देसी खाना भी मिल जाएगा, इडली डोसे भी मिल जाएंगे और इन सब। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जिस जगह का आपको ब्लॉग चाहिए उसकी जगह के लिए कमेंट करें। थैंक यू।